हेलो बच्चों, सॉलिड स्टेट के इस लेक्चर में पहले सॉलिड स्टेट का लेक्चर चालू होने से पहले मैं आपसे एक मिनट बात करना चाहता हूँ कि पिछले साल 2019-20 के सिलेबस में, मैंने कि ठीक इसके पिछले साल जो एग्ज़ाम हमारी हुई है सीबीएसई बोर्ड का, उसमें सॉलिड स्टेट चैप्टर नहीं था। लेकिन जहाँ तक अभी हमको कुछ सिलेबस से पता चल रहा है कि 2021 के सिलेबस में आपका सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर आपके चैप्टर फर्स्ट के जगह पे उसको वापस इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि अब थोड़े से स्टूडेंट को तकलीफ होने वाली है, क्योंकि एक चैप्टर आपका बढ़ा हुआ है पिछले साल के कंपेयर में। एक तो हम लोग अभी लॉकडाउन में चल रहे हैं, हमारा स्कूल से लेके सारे कोचिंग संस्था हमारी बंद है, सब ऑनलाइन का सहारा लेना चालू कर दिए हैं। कुछ स्कूल देख रहा हूँ मैं कि जूम ऐप के थ्रू आपका क्लास करना चालू किए हैं, जबकि जूम ऐप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि जहाँ 10 से 12 बच्चे एक साथ कनेक्ट होते हैं वहाँ साउंड इको होने लगता है, टीचर एक्सप्रेस आपको नहीं कर पाते हैं। एक बोर्ड पर जिस स्टाइल में वो आपको काम करके दिखा रहे थे, आपके सामने लाइव करके दिखा रहे थे, वो नहीं हो पा रहा है। तो उससे बेटर चीज़ है कि अगर आप 10-15 मिनट इस टाइप से वीडियो अगर आप देखते हैं, अगर आपको टीचर समझा देते हैं, तो आपका काम एक क्लास का हो जाएगा। और इस लॉकडाउन में भी धीरे धीरे करके हम लोग अपना सिलेबस को कवर करते रहेंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट हमारी चैप्टर बढ़ी हुई है और एक न्यूमेरिकल वाली पोर्शन है, और यहाँ पे डेंसिटी के न्यूमेरिकल लगभग हर एक साल पूछे जाते हैं, एक दो साल के बाद आते हैं। इस बार भी जैक बोर्ड के सवाल में पूछा हुआ था, 3 मार्क्स के क्वेश्चन डेंसिटी के सीबीएसई बोर्ड में पिछले साल तो नहीं थे, लेकिन अगर इस बार सीबीएसई बोर्ड दोबारा इंक्लूड इसको किया है तो डेफिनेट है कि डेंसिटी का एक न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी है पूछने की। तो मैं डेंसिटी के न्यूमेरिकल तक पहुँचने की कोशिश करूँगा आपको, लेकिन सबसे पहले हमारे चैप्टर फर्स्ट का नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सब्सटेंस को हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। ऐसे फोर्थ स्टेट, फिफ्थ स्टेट भी होता है, प्लाज्मा स्टेट है, बोस आइंस्टाइन स्टेट है, लेकिन अभी तक हमारा यूपीए को उसको ज्यादा फोकस नहीं करता है। तो हम लोग को 3 स्टेट पे फोकस करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसे पानी को आपने 3 अवस्थाओं में देखा है, अगर पानी आइस है तो सॉलिड स्टेट, पानी अगर आप पी रहे हैं तो लिक्विड स्टेट, अब पानी अगर वेपर में उड़ रही है तो गैस स्टेट। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस इज नॉट ए सब्सटेंस, इट इज द फेज ऑफ सब्सटेंस। आप वैक्स को भी 3 स्टेट में देखे हैं, मोमबत्ती में खड़ी है तो सॉलिड स्टेट, पिघल रही है तो लिक्विड स्टेट, और अगर कहीं व्हाइट व्हाइट उड़ रही है तो गैस स्टेट। तो इसका मतलब वो 3 स्टेट में है। तो सीधी बात है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस ये कोई सब्सटेंस नहीं है, सब्सटेंस का फेज होता है। तो हमको एक फेज के बारे में यहाँ पढ़ना है, सॉलिड स्टेट। आपने क्लास 11th के फिजिक्स में लिक्विड स्टेट के बारे में अच्छा खासा पढ़ा है, मतलब तो जहां पर विस्कोसिटी था, सरफेस टेंशन था, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वहां पर लिक्विड स्टेट के बारे में अच्छा पढ़े हैं। क्लास 11th का केमिस्ट्री का स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग गैस स्टेट के बारे में अच्छे खासे पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गाद्रो लॉ, वैन डर वाल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, तो वहां पर गैस स्टेट के बारे में पढ़े हैं। सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ने के लिए हमारा ये चैप्टर था, जो कि सिलेबस हमारा हटाया था, लेकिन अभी तक ये इंक्लूड कर चुका है। तो आते हैं हम लोग देखते हैं सॉलिड स्टेट में। पहले हमको बात करना है कि सॉलिड हार्ड क्यों होता है। जैसा कि आप 9th-10th में जानते हैं कि सॉलिड का डिफिनिट मास, डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट शेप, डिफिनिट साइज होती है, सॉलिड की सब चीज़ डिफिनिट होती है, जबकि लिक्विड का वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है बट शेप डिफिनिट नहीं होता है। जैसे 1 लीटर सुधा दूध को अगर आप ग्लास में डाल दें तो भी 1 लीटर, थाली में डाल दें तो भी 1 लीटर, लोटा में डाल दें तो भी 1 लीटर, इसका मतलब वॉल्यूम उसका फिक्स है बट शेप बार बार बदल जाएगी, कभी लोटा का शेप का, कभी ग्लास के शेप का, और गैस का तो नाइदर डिफरेंट शेप नॉर डिफरेंट वॉल्यूम। तो सॉलिड के सब चीज़ डिफरेंट होते हैं। तो ये बात तो हम लोग 9th-10th में जानते हैं। सर आप स्पेशल बात क्या करने वाले हैं? हमको स्पेशल बात ये करना है कि सॉलिड स्टेट में एटम मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी डेंस भरी होती है, काफ़ी ज़्यादा नंबर में होती है, एक दूसरे से काफ़ी करीब होती है, और दो एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है। ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काफ़ी जो स्ट्रांग होता है ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड आर हार्ड, रिजिड, डेंस, स्टेबल, हाई MPBP, यू कैनॉट कंप्रेस द सॉलिड सब्सटेंस, एंड वॉइड्स आर मिनिमम। वॉइड्स का मतलब होता है दो एटम के बीच का गैप। तो सॉलिड में एटम मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा है, एक दूसरे से काफ़ी करीब है, तो यहाँ वॉइड्स मिनिमम होता है। वॉइड्स का एक और भी नाम है इंटरस्टिशियल गैप। तो ये वॉइड्स हमारी मिनिमम होती है। एक पिक्चर के थ्रू हम लोग देखते हैं, अगर मैं इस पे नजर डालूं, ये सॉलिड है, तो यहां देखिए एटम मॉलिक्यूल्स मैंने काफी ज्यादा डाला है, लिक्विड में थोड़ी कम, गैस में सबसे कम। तो मैं देख रहा हूं कि सॉलिड में एटम मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा है, एक दूसरे से काफी करीब है, और करीब होने से दो एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांगली बाइंडेड होती है। ड्यू टू दिस रीजन इन सॉलिड स्टेट एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर,
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स बिटवीन टू एटम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइड्स आर मिनिमम वॉइड्स का मतलब गैप इंटरस्टिटियल गैप बिटवीन टू पार्टिकल्स वॉइड्स आर मिनिमम यहाँ वॉइड्स काफ़ी कम है ड्यू टू दिस रीजन सॉलिड आर हार्ड सॉलिड आर रिजिड सॉलिड आर डेंस सॉलिड आर स्टेबल सॉलिड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई डेंसिटी कैन नॉट कंप्रेस सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो एंड स्टेबल तो कभी कभी सवाल आता है सॉलिड हार्ड क्यों होता है इसकी डेंसिटी फिक्स क्यों होती है तो सॉलिड में एटम मॉलिक्यूल्स इज वेरी इन लार्ज अमाउंट वेरी क्लोज टू इच अदर वॉइड्स आर मिनिमम एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू दिस रीजन सॉलिड आर हार्ड रिजिड डेंस स्टेबल लाइक दिस चलते हैं आगे सॉलिड को ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के आधार पे आप दो भागों में बांट सकते हैं ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का मतलब अगर हिंदी में बोलूं तो ज्यामितीय संरचना के आधार पे आप दो भागों में बांट सकते हैं जैसे किसी का शेप आप सुने होंगे थ्री डायमेंशनल नेटवर्क शेप होता है किसी का हेक्सागोनल शेप होता है किसी का क्यूबिकल शेप होता है तो ये डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है तो सॉलिड को ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के आधार पर आप दो भागों में बांट सकते हैं एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस सॉलिड आर क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरी दो टाइप से बांट सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिड को दो भागों में बांट सकते हैं एक फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड अगर एनसीईआरटी की बुक आपके सामने है तो प्लीज ओपन पेज नंबर 3 वहां पर एक कॉलम बना के आपको दी हुई है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच का डिफरेंस पेज नंबर 3 में आपको ये मिलेगा 3 तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है जिस सॉलिड का ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रेगुलर है फिक्स है डिफिनिट है या ऑर्डर्ड है कुछ भी बोलिए जिस सॉलिड का ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रेगुलर है फिक्स है डिफिनिट है ऑर्डर्ड है एक डिफिनिट ऑर्डर में है आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड जबकि जिस सॉलिड का ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफिनिट नहीं है फिक्स नहीं है रेगुलर नहीं है इट इज एमॉर्फस अब इसको समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे ए बी ए बी ए बी इसका मतलब एक ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ अगर एक ऑर्डर में है तो इट इज क्रिस्टलाइन जबकि अगर मैं लिखता हूँ ए बी सी सी बी ए सी बी माने जो मन सो अगर रेंडम नहीं है फिक्स नहीं है डिफिनिट नहीं है तो इट इज एमॉर्फस तो जिस सॉलिड का ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रेगुलर है ऑर्डर में है क्रिस्टलाइन है जिस सॉलिड का ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है ऑर्डर में नहीं है इट इज एमॉर्फस और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होती है इट इज़ ट्रू सॉलिड ध्यान दीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ट्रू सॉलिड ये रियल सॉलिड होता है सॉलिड का प्रॉपर्टी रखता है जबकि इट इज सुपर कूल्ड लिक्विड या तो सूडो सॉलिड एनसाइड में दोनों बार आप देखिए सूडो सॉलिड का मतलब धोखा भ्रम फेक सॉलिड होता है मैंने सॉलिड की प्रॉपर्टी ये नहीं रखता है दिखता है सॉलिड अब जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूँ मिट्टी का ढेला को अगर आप हाथ से उठा लोगे तो लगेगा कि सॉलिड है बट आप उसको थोड़ा चापोगे तो भुरभुरा का टूट जाएगा मतलब उसमें सॉलिड की इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं है उसके अरेंजमेंट नहीं होते हैं सो इट इज ट्रू सॉलिड या तो सुपर कूल्ड लिक्विड एक पॉइंट पे आप माइंड कीजिएगा कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप एक शार्प एज वाला टूल से या नाइफ से काटोगे तो दो स्मूथ सरफेस में कटेगा जैसे कि एप्पल को अगर आप काटते हो तो एप्पल को टेबल पर रखे आपने एक तेज धार वाला चाकू से काटा तो दो सरफेस में स्प्लिट हो जाएगा दो सरफेस में कटेगा अब बोथ न्यू जनरेटेड सर्फेस इज प्लेन एंड स्मूथ तो ये प्रॉपर्टी का रख रहा है तो क्रिस्टलाइन है जबकि आप वही मिट्टी के ढेला को आप चाकू से काटो दो सरफेस में टूटेगा लेकिन दोनों सरफेस इरेगुलर होगा भुरभुरा का टूटेगा तो व्हेन इट कट बाय अ शार्प एज नाइफ इट स्प्लिट इनटू टू इरेगुलर सरफेस तो यहां पर पॉइंट मैंने लिखा है कट नाइफ अ स्मूथ सरफेस आप पॉइंट बना लेंगे कि व्हेन इट कट बाय अ शार्प एज नाइफ इट सेपरेट इनटू इट स्प्लिट इनटू टू स्मूथ सरफेस और इधर व्हेन इट कट बाय अ शार्प एज नाइफ इट स्प्लिट इनटू टू इरेगुलर सरफेस लेकिन एक पॉइंट बहुत बड़ी होती है एनिसोट्रोपी की नेचर अगर आप दोनों में डिफरेंस लिख रहे हैं तो आप तो सीधे लिख के चले जाओगे इट इज एनिसोट्रोपिक इट इज आइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन इज एनिसोट्रोपिक की नेचर और एमॉर्फस इज आइसोट्रोपिक की नेचर बट कभी कभी पर्सनली आपसे सवाल पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एनिसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है वंस अगेन अगर आप डिफरेंस लिख रहे हो दोनों के बीच में तीन पॉइंट या चार पॉइंट आप लिख रहे हो तो एक बात तो निकल के आ गया है इट इज क्रिस्टलाइन इट इज एनिसोट्रोपिक की नेचर इट इज आइसोट्रोपिक की नेचर इट इज एनिसोट्रोपिक इट इज आइसोट्रोपिक बट अगर कभी वन मार्क्स में सवाल स्पेशली पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय एनिसोट्रोपिक तो आप क्या डिस्क्राइब करोगे प्लीज ओपन एनसीईआरटी पेज नंबर 3 और 3 में ही आपको ये डिफरेंस मिलेगा बीचों बीच पेज नंबर 3 के बीचों बीच लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एनिसोट्रोपिक इन नेचर इट्स मीन आप पहले मेरे से मतलब समझ लो फिर बुक में पढ़ लेना क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक होता है इसका मतलब होता है इस टाइप के सॉलिड का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी
कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रेसिस्टेंस, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इटीसी सोज डिफरेंट वैल्यू व्हेन इट इज मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। मैंने कि एनसीईआरटी पेज नंबर 3 में अगर आप जाते हो तो लाइन में आपको पहले दिखा दूं, वो लाइन आपका क्या बोला हुआ है कि इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रेसिस्टेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स शोज डिफरेंट वैल्यू व्हेन इट इज मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। एक बार फिर से, इस टाइप के सॉलिड का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इटीसी गिव्स डिफरेंट वैल्यू व्हेन इट इज मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ सेम क्रिस्टल। जबकि इस टाइप के सॉलिड का अगर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को अलग अलग डायरेक्शन में देखें तो वैल्यू हमारी डिफरेंट डिफरेंट आती है। तो इट इज द मीनिंग ऑफ एनिसोट्रोपिक, इट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रोपिक। तो एनिसोट्रोपी का क्या मतलब था? एनिसोट्रोपिक मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एनिसोट्रोपिक इन नेचर। इट्स मीन्स सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी शोज डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू व्हेन इट इज मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, और एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन का। लास्ट में कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए, डायमंड ग्रेफाइट सिलिका आर सम एग्जांपल, इटीसी लगा दीजिएगा, एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन, एंड ग्लास रबर वैक्स इटीसी आर द एग्जांपल ऑफ एमर्फस सॉलिड। तो अभी तक हम लोग सॉलिड को ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के आधार पर दो भागों में बांटे हैं, क्रिस्टलाइन और एमर्फस। फिर हम लोग चलते हैं, जैसा कि हम लोगों ने सुना है सॉलिड में एटम मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगी, एक दूसरे से काफ़ी करीब होगी, दो एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो आखिर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो अलग अलग हो सकते हैं। अब मेटालिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड है कि भेंटरवाल बॉन्ड है कि पोलर बॉन्ड है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे सॉलिड को चार भागों में बांटी गई है। मैंने दो पार्टिकल्स के बीच लग रहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे सॉलिड को चार भागों में बांटी गई है। फिर से, सॉलिड में एटम मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा है, एक दूसरे से काफ़ी करीब है, दो एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर सॉलिड को चार भागों में बांटी गई है। हम लोग देखते हैं, ओपन पेज नंबर 6, पेज नंबर एनसीईआरटी का 6 खोलिए, आपको एक कॉलम बना के दिखाई गई है, मैं उसी को डिस्क्राइब कर रहा हूं कि टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। उसमें जो पार्टिकल्स है उसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी है, इस आधार पर सॉलिड को चार भागों में बांटी गई है। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। यह अलग बात है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्लासिफाइड इंटू 3 टाइप्स, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, बट आपको 7 टाइप नहीं 4 टाइप ही बोलना है, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट। मैं बात करूंगा कि हर एक टाइप के सॉलिड में पार्टिकल्स कौन है, उसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, उसका फिजिकल नेचर क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, करंट फ्लो करता है कि नहीं, लास्ट में कुछ एग्जाम्पल। तो मैं एनसीईआरटी पेज नंबर आपको लेकर चलता हूँ 6 के तरफ। तो देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कोई भी मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, चाहे वो पोलर हो, चाहे नॉन पोलर हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, पार्टिकल सबका मॉलिक्यूल्स ही होता है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड में चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो या हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, सारे के पार्टिकल्स एक ही है, मॉलिक्यूल्स, बट तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होती है। पोलर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जैसे HCl, HCl, फिर HCl, तो Cl नेगेटिव और इधर का H पॉजिटिव, ये दोनों के बीच में फोर्स है। दिस इज पोलर, क्योंकि ये पॉलिको, ये मोलर पॉली, ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो HCl, HCl, तो इस Cl नेगेटिव का H पॉजिटिव से, इस Cl नेगेटिव का अगला H पॉजिटिव से, इट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो पोलर में फोर्स है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। एनसीईआरटी पेज नंबर 6 में रहिए, आप यहां पर कोड में कर रहा हूं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। जबकि नॉन पोलर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है आपका डिस्पर्सन फोर्स, या तो लंदन फोर्स भी बोल सकते हैं, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में काम करता है डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन, या तो इसी का नाम है लंदन, लंदन फोर्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो खुद ही एक फोर्स है, इसका खुद का फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में पार्टिकल्स भले मॉलिक्यूल्स है पर तीनों में फोर्स अलग अलग होती है। पोलर में है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, नॉन पोलर में डिस्पर्सन फोर्स है लंदन फोर्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड तो खुद ही एक फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर में तीनों सॉफ्ट होती है, लगभग तीनों सॉफ्ट होती है, पोलर वाला भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, और हाइड्रोजन बॉन्ड में चूंकि आइस का दिमाग में आता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड आइस होती है, तो लिटिल बिट हार्ड आप लिख सकते हैं, बट ज़्यादा हार्ड ही होता नहीं है, ऐसे सॉफ्ट ही होता है, लेकिन अगर आइस को ध्यान में रखें तो थोड़ा सा हार्ड होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में ऑल आर इंसुलेटर, कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता, ऑल आर इंसुलेटर।
ऑल आर इंसुलेटर, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अब कुछ एग्जांपल में देखूं तो अगर पोलर में एग्जांपल में लिखूंगा तो मैं लिख रहा हूं SO2 का, HCl का, पोलर में, पोलर में एग्जांपल अगर मैं देखूं तो SO2 है आपका, फिर HCl है, इट इज इट। जबकि नॉन पोलर में एग्जांपल हम देखेंगे तो I2, आर्गन, इट इज इट, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में H2O आइस, H2O आइस में अगर हम चलते हैं। तो अभी आपने एक सॉलिड की बात किया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को तीन भागों में बांटी गई है, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तीनों टाइप के सॉलिड में पार्टिकल्स एक ही है मॉलिक्यूल्स, पर तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है। किसी में है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, किसी में डिस्पर्सन फोर्स है, लंडन फोर्स, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है। फिजिकल नेचर में सब सॉफ्ट होती है, लेकिन इसमें थोड़ा हार्ड आपको एनसीईआरटी में दिखेगा क्योंकि वो आइस को लेकर लिखा है। ऑल आर इंसुलेटर एग्जाम्पल सबके हैं। अगर आयनिक सॉलिड में चलोगे तो आयनिक सॉलिड का पहले एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं, NaCl, KCl, ZnS, etc. अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स काम करेंगे Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, यहाँ पार्टिकल्स काम करते हैं आयन्स, पार्टिकल्स हैं आयन्स, और इसके बीच में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन आप ऑलरेडी सुने हैं, कोलंबिक फोर्स या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या तो कोलंबिक फोर्स भी बोल सकते हो। फिजिकल नेचर, अरे भाई कोलंबिक फोर्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो ये वेरी हार्ड होता है, ये आप इसको हार्ड लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट में आयनिक सॉलिड इज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट। तो अगर इंसुलेटर हम लिख रहे हैं तो बताएंगे सॉलिड में, लेकिन अगर कंडक्टर हम बताएंगे तो बताएंगे मोल्टेन स्टेट में। जैसे NaCl इज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, बट वही NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा मोल्टन स्टेट में। अब एक सॉलिड है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं इट इज थोड़ा सा डिफरेंट, ये सबसे अजीबोगरीब पार्टिकल्स हैं। लेकिन अगर मैं इसका फोर्स आपको दिखाऊं, मैं सबसे पहले इसका एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। मेटालिक सॉलिड में आपका गोल्ड, आपका सिल्वर, आपका जिंक, आपका कॉपर, आपका आयरन, दीज आर आयनिक, सॉरी क्या नाम है आपका, मेटालिक सॉलिड। तो एग्जाम्पल में जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, Fe हो गया, etc. ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यस ऑल दीज आर कंडक्टर। फिजिकल नेचर में कैसा होता है, हार्ड ही होता है। और फोर्स इसमें काम कौन सा करता है, फोर्स इसके खुद के बॉन्ड होते हैं, मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। अब इसके एक चीज बचते हैं पार्टिकल्स। मेटालिक सॉलिड में पार्टिकल्स काफी डिफरेंट होता है। अब पार्टिकल्स अगर मैं दिखाऊं तो वो है पॉजिटिव आयन इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा मैंने, पॉजिटिव आयन इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आपको समझना होगा, इसका मतलब है जैसे एक तालाब में मछली फ्री है, एक तालाब में मछली फ्री है, लेकिन वो मछली तब तक फ्री है जब तक वो तालाब के अंदर में रहेगा, वो सरफेस को छोड़ नहीं सकता है। क्योंकि सरफेस को छोड़ेगा तो एक तो कहानी आप सुने हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो मछली इज फुल फ्री इंटायर द होल पॉन्ड, बट वो सरफेस को छोड़ नहीं सकता है। उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में फुल फ्री है, मेटल सरफेस में कहीं भी घूम सकता है बट सरफेस को छोड़ नहीं सकता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जैसे ही सरफेस को छोड़ा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो उसका नेगेटिव, और सरफेस पे सडनली डेवलप होगा पॉजिटिव, तो सरफेस का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को दोबारा पुल बैक कर लेगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा तो हमको एक फोर्स वहां लगाना होगा, एक एनर्जी हमको देनी होगी जिससे हम उसको बाहर निकाल पाए। तो मतलब यहां इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है मछली का और पॉन्ड काम कर रहा है मेटल सरफेस का। तो वही यहाँ पार्टिकल से पॉजिटिव आयन इन द सी, सी का मतलब समुद्र या तो पॉन्ड ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो पार्टिकल्स इसका थोड़े से टफ है, मुंह पे दो बार बोलिए तो आपको आ जाएगा, मेरे साथ बोल दीजिए, पॉजिटिव आयन इन द सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन इन द सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। लास्ट में कोवेलेंट सॉलिड, इसके पार्टिकल्स अच्छे हैं एटम्स, सबके पार्टिकल्स अच्छे हैं, किसी के एटम्स हैं, किसी के आयन्स हैं, किसी के मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ इसी वाले थोड़े डिफरेंट हैं, पॉजिटिव आयन इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। फोर्स, इसमें खुद बॉन्ड काम करता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर फिजिकल नेचर में जाए तो हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी होता है। अगर हार्ड बोले दिमाग में मेरा हिट किया डायमंड, इसके एग्जांपल में सीधे में चला जाता हूँ डायमंड, और सॉफ्ट बोला तो मैं चला जाऊँगा ग्रेफाइट में। और डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है जबकि ग्रेफाइट करता है।
प्लीज ओपन एनसीईआरटी पेज नंबर 6 और एक बार इस चार्ट को आप वहां पर देखिए और फिर मेरा बात सुनिए, आपको बातें समझ में जाएगी। यार आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, कॉलम में बना के लिखिए, सब टू सब पॉइंट टू पॉइंट रहेगी। तो सॉलिड को ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के आधार पर आप दो भागों में बांटे हैं, क्वेश्चन है मेरे पास, बट सॉलिड को उसके पार्टिकल्स के बीच में लग रहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर आप चार भाग में बांटे हैं, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये अलग बात है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन टाइप की हो गई, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब इन सबसे बाहर में थोड़े से टॉपिक के अंदर में घुसता हूँ, यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस। अब इसको समझने के लिए पहले आप जरा रेस्ट ले लीजिए एक दो सेकंड का। लूडो का छक्का आप देखें, डाइस डाइस डाइस, आप 64 डाइस सिमिलर साइज वाले को अरेंज कर लीजिए, मतलब कहीं से जुगाड़ कर लीजिए 64 सिमिलर साइज डाइस को आप अरेंज कीजिए, और टेबल पे पहले चार डाइस को एक लाइन में सजाओ, चार डाइस को कुछ ऐसा, चार डाइस को, फिर इसके बगल में चार डाइस टेबल पे ही, फिर इसके बगल में चार डाइस, फिर इसके बगल में चार डाइस, चार 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 चार, यानी 16 डाइस को आप टेबल पे सजा चुके चरखुट के फॉर्म में, इट इज फर्स्ट लेयर। अब इसी 16 के ऊपर एक 16 और दो लेयर, उसी 16 के ऊपर एक 16 और तीन लेयर, उसी 16 के ऊपर एक 16 और चार लेयर। अब आपको दिखेगा छोटा छोटा डाइस बना बना के या जोड़ जोड़ के आपने एक बड़ा डाइस बना दिया, तो दिस बड़ा डाइस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। दिस बड़ा डाइस आपके सामने में जो पड़ी है 64 डाइस का एक बड़ा अरेंजमेंट, इट इज क्रिस्टल लैटिस, उसका सबसे छोटा पार्ट को बोलते हैं यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल का स्टेटमेंट में क्या बोलूंगा मैं, द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल इन स्पेस, द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल इन स्पेस, द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, क्योंकि उस स्पेस 3D में लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। अरे भाई बड़ा सा छक्का आपको दिख रहा होगा 64 छोटे छोटे छक्के का, तो उसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, वो स्पेस में चली गई। तो द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। और 64 छक्का में से एक छोटा छक्का इज कॉल्ड यूनिट सेल, एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब यूनिट सेल तीन टाइप की होती है, ऐसा भी आपने सुना यूनिट सेल दिखता है लूडो का छक्का जैसा। तो यूनिट सेल का तीन टाइप है, SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीनों का नाम फिर से सुन लीजिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। FCC को कुछ बुक प्रिमिटिव यूनिट सेल भी लिखा है, आपका NCERT लिखा है प्रिमिटिव यूनिट सेल, बट आप इसको SCC, BCC, FCC बुला सकते हैं, SCC, BCC, FCC। तीनों एक जैसा ही दिखता है, बट तीनों में एटम का अरेंजमेंट थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है। अब मैं आपको एटम का अरेंजमेंट दिखाता हूँ, ये एक एटम है, एक एटम। अब इसको अगर बीचों बीच में काट दो, हर एक पार्ट हो गई 1/2, 1/2, बीचों बीच काट दो, हर एक पार्ट हो गई 1/4, 1/4। आप इसको यहाँ काट दें, हर एक पार्ट इज 1/8, हर एक पार्ट 1/8 है। अब इसमें से मैं 7 पार्ट को मिटा देता हूँ, लीजिए ये हो गया एक एटम का 1/8 पार्ट, एक एटम का 1/8 पार्ट। अब ध्यान से सुनना, SCC में एटम्स केबल कॉर्नर पे होता है, SCC में एटम्स केबल कॉर्नर पे होता है, वो भी एक एटम का 1/8 पार्ट। तो एटम यहाँ पे होगा 1/8, एटम यहाँ होगा इस कॉर्नर पे, 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 इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, तो एक क्यूब में 8 कॉर्नर, 8 कोना पे 1/8। तो यहाँ पे कुल एटम कितना है, 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1, टोटल एटम इज 1, और टोटल एटम को बोलते हैं रैंक, 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 रैंक डिनोटेड बाई जेड। तो जेड SCC का हो गया 1। क्या किया देखा, SCC में एटम्स केवल कॉर्नर पे है, वो भी एक एटम का 1/8 पार्ट, तो कॉर्नर कितना 8, तो 8 × 1/8 आठों कोना पे, तो यानी टोटल एटम हुआ 1, और टोटल एटम को बोल रहा रैंक, क्या बोल रहा हूँ मैं, रैंक, रैंक को डिनोट कर रहा हूँ जेड से, तो SCC का रैंक 1। BCC में क्या होता है, BCC में हर एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट तो है, हर एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट तो है, यहाँ पे भी यहाँ पे, बट एक फुल एटम बीच में होता है, फुल एक एटम बीच में होता है, यानी कि यहाँ टोटल एटम कितनी हो गई, तो 1/8 × 8 हर एक कॉर्नर पे प्लस एक फुल एटम बीच में, मतलब 2, BCC का रैंक 2 आपके सामने।
एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में भी हर एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट होता है, बट हर एक फेस में हाफ, हर एक फेस में हाफ, हर एक फेस में हाफ, और कुल कितना फेस, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हर एक फेस में हाफ, तो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, यहाँ भी 1/8, हर एक फेस में हाफ, ऊपर हाफ, नीचे हाफ, लेफ्ट हाफ, राइट हाफ, आगे हाफ, पीछे हाफ, तो इसमें टोटल आइटम कितना, इसमें टोटल आइटम होगा 1/8 × 8 प्लस हाफ इंटू कितना फेस में, 6 फेस, 3 और 1, 4, यानी कि इसका रैंक हो गई 4। एससीसी का रैंक 1, बीसीसी का रैंक 2, एफसीसी का रैंक 4। अब यहाँ हम डेंसिटी के न्यूमेरिकल की तरफ आपको लेकर चलेंगे, तो डेंसिटी के न्यूमेरिकल में आप देखोगे कि अगर सॉलिड स्टेट से अगर एक क्वेश्चन पूछने का मैं गैस करूं कि एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है डेंसिटी का न्यूमेरिकल पूछेगा। और एक छोटा वीडियो के थ्रू मैं तुरंत आपको अपलोड करता हूं डेंसिटी ऑफ न्यूमेरिकल का फॉर्मूला कैसे डराइव करोगे और उससे आप न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बेसिकली बात आपसे की, मैंने जो भी बात किया पेज नंबर रेफर कर रहा हूँ, इस चार्ट को पेज नंबर 6 से आप उठाइए, इस चार्ट को पेज नंबर 3 से आप उठाइए, एनिसोट्रोपिक पेज नंबर 3 में आप देखिए, एक बार मेरे को आप सुने हैं, एक बार एनसीईआरटी का बुक का रीडिंग डालो, नोट्स आप यहीं से बना सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप या तो मैं इसका एक पिक्चर भी आपको डालूंगा, लेकिन प्लीज आप एक बार कम से कम घर में देखिए और इसका नोट्स आप बनाइए, और जब तक लगातार मैं 4 से 5 वीडियो में सॉलिड स्टेट का चैप्टर को फिनिश करूंगा, और जब तक आपका स्कूल खुलता है तब तक हम करीबन टारगेट करते हैं कि 1 से 2 चैप्टर को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर मेरी आवाज थोड़ी फास्ट लगती है तो जो किसको 2 बार पढ़िए, इसको 2 बार आप सुन लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डाल रहा हूँ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, और जिसमें कम से कम आपको घर में 4-5 न्यूमेरिकल बनाने होंगे, और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चन डेंसिटी ऑफ न्यूमेरिकल पे बैठे हुए हैं। अब जैसे एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन का नंबर मैं डालता हूँ जो कि आपके डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पे बैठे हुए हैं, पेज नंबर 20 में 3 क्वेश्चन सॉल्व है, 2021 में पेज नंबर 2021 में आपका 3 क्वेश्चन जो कि सॉल्व है, 1.3, 1.4, 1.5 डेंसिटी का जो कि सॉल्व है, लेकिन आपने तो सॉल्व नहीं किया, उसको आपको बनानी होगी। पेज नंबर 2021 में 1.3, 1.4, 1.5, और अगर मैं चलूँ तो पेज नंबर 22 में एक क्वेश्चन अनसॉल्व है जो कि आपका 1.18 है, और एक्सरसाइज में अगर मैं आपको लेके चलता हूँ तो एक्सरसाइज में जो कि पेज नंबर आपका 31 में है, 31 में क्वेश्चन नंबर है आपका 1.11, 1.13, 1.15 और 1.21, इसका मतलब आपके एनसीईआरटी बुक खुद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन जो कि खुद को बनाने हैं, लेकिन ये 8 क्वेश्चन से आपका मन नहीं भरेगा, आपको और साइड बुक से कुछ डेंसिटी के न्यूमेरिकल बनाने होंगे। और अगर आप सॉलिड स्टेट में डेंसिटी का न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से बनाते हैं, समझिए कि आप 50% काम तो कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डेंसिटी ऑफ न्यूमेरिकल का पहले फॉर्मूला बनाऊंगा और वहां पर 1-2 क्वेश्चन आपको बनाकर दिखाऊंगा। थैंक यू।